पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा ने बाइक रैली निकालकर विकास कार्य गिनाए। इस रैली का उद्देश्य सरकार की ओर से करवाए गए विकास कार्यों को दर्शाना है। भाजपा ने इस आयोजन को विकास तीर्थ का नाम दिया है। इस रैली का शुभारंभ ढाका में बने प्रधानमंत्री आवास योजना से किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे की अगुवाई में रैली शुरू की गई। भाजयुओं का दावा है कि इसमें 75 बाइकों पर 150 युवा निकले। रैली शहर में उन कई स्थानों पर पहुंची जहां सरकार ने विकास योजनाएं चलाई हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जा रही है। इस रैली में युवाओं ने जोशीले नारे लगाए, सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात है कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका 30 मई 2022 को उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और समस्त देश ये जानता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा वो गरीब जन कल्याण, लोक कल्याण, सुशासन को समर्पित उनका कार्यकाल रहा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के निर्देश अनुसार पूरा संगठन 30 मई से लेकर 15 जून तक सुशासन, समर्पण और सेवा का एक अभियान चला के विभिन्न अभियानों के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का एक देश को समर्पित कार्यकाल रहा उसको मनाने का काम कर रहा है। उसी श्रृंखला में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्य जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी द्वारा ये निर्देश हुआ कि समस्त जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है बाइक रैली के माध्यम से 75 बाइकों के माध्यम से पूरे महानगर में जो है वो समस्त जो भी केंद्र और सरकार की परियोजनाएं हैं उनका भ्रमण करने का कार्यक्रम करेगा। उसी श्रृंखला में आज मुरादाबाद में 5 जून को मुरादाबाद महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ढक्का लाइन पार प्रधानमंत्री आवास योजना से शुरू कर यहाँ पीलीकोटी जल निगम कार्यालय पर ये जो स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर बना है यहाँ पर हम इस विकास तीर्थ बाइक यात्रा का समापन कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।